हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं आदित्य सिंह गौतम, आपका मेंटर और कोच बैंक एग्जाम्स के लिए, और मैं आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें हम करेंगे पैरा कॉम्प्लीशन में क्या होता है भाई? पैरा कॉम्प्लीशन में आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ को हमें कंप्लीट करता है या तो बीच में से या फिर एंड में से। कैसे ही करेंगे उसके बारे में हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगा मैं आपको, ठीक है? और उसके बाद कुछ लेजेंडरी एग्जाम्पल करेंगे एक के बाद। तो सब जो बच्चे मुझे नहीं जानते भाई, उन बच्चों को बता दूं, मेरा नाम आदित्य सिंह गौतम है, मैं आपको मेंटोर और कोच हूँ बैंक एग्जाम्स के लिए, और मैं आपका आज की क्लास में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिसमें हम बहुत ज़्यादा मस्ती धमाल करते हुए करेंगे बहुत सारी बढ़िया वाली पढ़ाई, ठीक है? ओके, तो मेरे 10 साल का मुझे बढ़िया वाला एक्सपीरियंस है बैंक एग्जाम्स, SSC, रेलवे, तीनों के लिए मैं पढ़ा चुका हूँ इंग्लिश, और उसके अलावा मेंटोर कर चुका हूँ 10,000+ स्टूडेंट्स को, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। गोइंग फॉरवर्ड, ये इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपके सामने हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो कि आपके सामने हैं। अब कुछ बैचेस आपके स्टार्ट हुए हैं रिसेंटली, लेकिन उन बैचेस पर पहुँचने से पहले भाई आपको बता दूँ, क्या बता दूँ कि 30+ बैचेस में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है हर वीक अनअकैडमी पर। आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन के टाइम पे 30+ बैचेस मिलते हैं जिसमें आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि 300 से ज्यादा क्लासेस होती है हर दिन, 70 से ज्यादा एजुकेटर्स है, 40,000 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट है, और 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और 98% से ज्यादा स्टूडेंट्स यानी कि बैंकिंग एस्पायरेंट्स हमें ऑलरेडी यानी कि अनअकैडमी को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड, ये इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स है जिनके आप नाम देख पा रहे अपनी स्क्रीन पर। कुछ बैचेस जो आपके रिसेंटली शुरू होने हैं 2 जून से शुरू होने, कौन से है वो? एक्सेलरेटर बैच फॉर SBI क्लर्क 2021, डायनेमिक बैच फॉर SBI क्लर्क 2021, क्रैश कोर्स फॉर SBI क्लर्क प्री और मेन 2021, रणविजय CET 2021, टारगेट SBI PO प्लस IBPS PO 2021, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल SBI एग्जाम्स, गुरुकुल बैच फॉर IBPS 2021 एग्जाम, और रैंकर्स बैच फॉर SBI क्लर्क एंड टारगेट SBI क्लर्क। ये कुछ बैचेस हैं जो आपके 2 जून से शुरू हो रहे हैं। ओके, अब गोइंग फॉरवर्ड आपके पास है मौका स्कॉलरशिप जीतने का, 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो। करना क्या आपको? आपको बस ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ASC50 कोड लगाना है। ASC50 कोड लगाइए, एनरोल कर लीजिए, ASC50 कोड लगाकर एनरोल कर लीजिए। कब होगा एग्जाम? संडे को सुबह 10 बजे, आज वाला निकल चुका है, संडे को 10 बजे होगा। जिन बच्चों की टॉप 3 रैंक आएगी उन्हें 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। जिन बच्चों की रैंक आएगी 4 to 10 उनको 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। जिनकी 11 से 50 रैंक आएगी उन्हें 50% स्कॉलरशिप, और जिनकी रैंक 51 से 500 उन्हें 25% स्कॉलरशिप। तो मौका बढ़िया है भाई, और फायदा उठा लो। नेक्स्ट है एक बढ़िया वाला ऑफर चल रहा है हमारे पास, क्या? 99% ऑफ का, 99% ऑफ का बढ़िया वाला ऑफर चल रहा है। क्या? कि अगर आप लोग RBI, NABARD, Phase 2 और बैंक एग्जाम्स इन दोनों का कॉम्बो लेते हो, इन दोनों का एक स्पेशल कॉम्बो अगर आप लेते हो, उस कॉम्बो पर आपको मिल रहा है 99% का ऑफ। लेकिन ऑफर जो है 2 जून को खत्म हो जाएगा, और RBI के बैचेस 9 जून से शुरू हो जाएंगे। तो इससे पहले कि ऑफर खत्म हो, आप जल्दी से अपने अपने ये जो इंट्रोडक्टरी ऑफर है उसका फायदा उठा लीजिए। अब अगर बैंकिंग के रेफरेंस में बात करूँ, जो आपका सब्सक्रिप्शन बैंकिंग का 1 ईयर का, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस 6,500, जो 2 ईयर्स का 12 मंथ्स का ये हो गया 1 ईयर का, और 2 ईयर्स का क्या है 7,800। तो सिर्फ 1,300 के डिफरेंस में आपको मिल रहा है 2 साल का सब्सक्रिप्शन, सिर्फ 1,300 के डिफरेंस में। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा 2 ईयर का ले लो। अगर आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई जल्दी हो जाता तो बेटा ये किसी और के साथ शेयर कर देना, कॉस्ट आप शेयरिंग कर सकते हैं, है ना? तो मौका बढ़िया है, ASC50 कोड जरूर लगाइएगा। आप एग्जाम क्वालिफाई करना है, ASC50 कोड लगाना नहीं बोलेंगे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, क्योंकि आपको मिलेगा बढ़िया वाला 10% का डिस्काउंट। ओके, एंड वेरी गुड इवनिंग जैकी, आई एम सॉरी मेरा गला बैठा हुआ है तो आवाज शायद थोड़ी भरभरा रही होगी, लेकिन आई होप आपको समझ आ रही है। Yes, I changed my look a bit. Okay, all set. So let's crack it. All right. So बढ़ते हैं आज का जो motivational thought है आपकी क्लास के लिए।
आज का जो मोटिवेशनल थॉट है आपके लिए वो है, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, क्या है कि सपने के लिए बिना मेहनत के नहीं चाहिए। सपना देखना है तो भैया मेहनत मत करो, डायरेक्ट सो जाओ, बहुत सपने दिखेंगे। लेकिन अगर आपको आपका गोल प्राप्त करना है, गोल चाहिए, जो करना चाहते हो, जो अचीव करना चाहते हो वो चाहिए, तो उसके लिए चाहिए बिना नींद की मेहनत। कि नींद सो तो मैं बाद में लूंगा, चल एक तो घंटा कम सो लूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन मेहनत जरूरी है, काम जरूरी है, काम होना चाहिए, मेहनत नींद तो पूरी होती रहेगी। तो सिंपल सा फंडा आपके लिए जो मेरा है वो ये है कि भैया सपने के लिए नहीं, लक्ष्य के लिए, लक्ष्य के पीछे भागो। नींद हम पूरी करते रहेंगे, एक आधे कम घंटे सोएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जवान बच्चे हम लोग, है कि नहीं। ओके ऑलराइट, चलो फिर आज का टॉपिक पे आ जाते हैं, आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या था आज का टॉपिक भाई? आज का टॉपिक था हमारा पैरा जंबल्स, यस नो मे बी, पैरा जंबल्स था। ओके सॉरी, पैरा कंप्लीशन था। पैरा कंप्लीशन में क्या होता है, पैरा कंप्लीशन में क्या होता है? ओके पैरा कंप्लीशन में आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, एक ही पैराग्राफ के कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उसमें से एक जो है हमें दे देते हैं फिल इन द ब्लैंक, जिसमें आपको लगता है कि ये वाला सेंटेंस जो है परफेक्ट फिट होगा, उसके बाद आगे पे सेंटेंस फिर से चले जाते हैं, ठीक है, या फिर ये जो फिल इन द ब्लैंक से बिल्कुल एंड में देते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको कहाँ पर दिया जाता है, लेकिन पैरा कंप्लीशन का फंडा यही कि आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना होता है। अब पैराग्राफ कंप्लीट करने का मतलब क्या हुआ, देखिएगा, पैराग्राफ कंप्लीट करने के लिए, पैराग्राफ कंप्लीट करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, उनका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या पहली चीज जो आप करेंगे, आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे कि भाई जो जो हमारा ऑथर है, जो राइटर है, जिसने पैराग्राफ लिखा है, वो कहना क्या चाहता है, आखिर बात क्या कर रहा है, वो हमने समझ लिया, पॉइंट नंबर वन। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए कि भाई टॉपिक क्या है, कोई टॉपिक तो होगा, बैंकिंग रिलेटेड है, बैंकिंग की सर्विस रिलेटेड है, आदित्य सर के बारे में, गॉगल्स रिलेटेड है, समर रिलेटेड है, वेकेशन रिलेटेड है, किस बारे में पैराग्राफ, वो समझना है, ठीक है। टॉपिक हमें पता होना चाहिए और ऑथर किस कैसे हमसे बात कर रहा है, कैसे वो लिखना चाह रहा है, ठीक है, वो हम पता करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि अब जो है कि हमारे जो ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस को हम देखेंगे, पहले हमने पैराग्राफ फिर पढ़ा, फिर उसके बाद ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस को पहले से पहले नहीं देखेंगे। ओके ऑलराइट, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे यू मस्ट मैच द सब्जेक्ट मैटर टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ विद दैट ऑप्शंस गिवन। क्या जो सब्जेक्ट मैटर था, जो सब्जेक्ट का टॉपिक था, टॉपिक का हमने पता करा था कि इस बारे में बात चल रही है, यस, जो टॉपिक का पता चला था, अब जो गिवन दिए हुए ऑप्शंस है उसमें से हम मिलाने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन सा वाला फिट हो रहा है, कौन सा वाला फिट हो रहा है, कौन सा वाला मिलता जुलता है। चलो वहां भी पहुंच गए, अब क्या करेंगे, अब उस वाले को हम यूज कर लेंगे, क्या लिंक करेंगे उस वाले को विद दी ऑपोजिट गिवन, उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। लिंक करने की कोशिश करी और जो भी मिसमैच होगा, जो भी मिसमैच होगा, क्या सपोज करते हैं ये पांच लाइन का सेंटेंस था, जो चौथा ये जो लाइन है ये मिस हो गई, इसके बाद नेक्स्ट लाइन दे दी, तो एंड वाले से आप मिलाने की कोशिश करेंगे सभी सेंटेंसेस को जो आपको दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 ऑप्शन, ठीक है। ओके तो इनमें से जो भी नहीं मिल रहा है जरा सा भी, उसको हम साथ के साथ बिल्कुल हटा देंगे, ठीक है, उसको हम बिल्कुल साथ के साथ हटा देंगे। अब हमारे पास जो दो ऑप्शन बचे, एक या दो ऑप्शन, अगर एक बचा तो भी आंसर मिल ही गया, अगर दो ऑप्शन बचे तो हम जज करेंगे भाई कौन सा वाला ज्यादा अच्छा फिट हो रहा है, कौन सा वाला ज्यादा अच्छा फिट हो रहा है। जैसे अन अकेडमी पर आपके पास बहुत सारे फैकल्टीज हैं, बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, लेकिन क्या होता है, आप उस टीचर से पढ़ते हैं जिसको आप समझ आते हैं, क्यों, आपके साथ वो फिट हो रहे हैं, आपके लेवल पे पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको समझ आता है आपको वैसे पढ़ा रहे, तो आप उनके साथ पढ़ोगे जिनसे आपको समझ में आएगा, हर किसी के साथ तो ही पढ़ लेंगे भाई, पढ़ाते तो वो भी है, तो वैसे ही जो हमारे ऑप्शन है उसको लगाएंगे हम, जो हमारे साथ परफेक्ट फिट होगा। ओके ऑलराइट, तो इतना है हमारे पास, और लॉजिक को जरूर यूज करेंगे, लॉजिक को जरूर यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो है हमारी नॉलेज में, इसमें जो हमारी नॉलेज है उसमें हमारी ग्रामर चेक नहीं कर रहा कोई, कि आपको ग्रामर कितनी अच्छी आती है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा, आपको इस बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं कि भाई आपको वोकैब कितनी अच्छी आती है, वोकैब डेफिनेटली इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है आपको पैराग्राफ की, लेकिन अगर आपको पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा तो वोकैब पे थोड़ा बहुत वर्क करने की जरूरत है, ठीक है। तो ग्रामर और वोकैब कोई चेक नहीं कर रहा, चेक क्या कर रहे हैं आपके,
चेक क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्या कर रहे हैं चेक, अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, क्या आप समझ भी पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। सपोज करो कोई मीटिंग चल रही है, आप बैंक पीओ बन गए, कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग में आपके बीच की चीजें, शुरू की चीजें मिस हो गई, आप लेट हो गए किसी वजह से, ठीक है, ओके। तो अचानक से बीच में अगर आप मीटिंग सुन रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर समझ में नहीं आएगा तो भाई कैसे काम चलेगा, है ना। तो बस यही फंडा है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ओके, लॉजिक बेस्ड होनी चाहिए। ऑलराइट, चलो फिर, और कंप्लीट कंटिन्यूटी, हम जो है कंप्लीट कंटिन्यूटी का ध्यान रखेंगे कि एक के बाद एक जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को हम फॉलो करें, ऑर्डर को हम फॉलो करें, ठीक है। ऑलराइट, चलो फिर बढ़ जाते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये जो नंबर वन लिखा है, ये जो नंबर वन लिखा है ये आपका क्वेश्चन है, पैराग्राफ है, और ये जो ऑप्शंस दिए हैं, पांच ऑप्शंस ए बी सी डी ई, ये है आपके ऑप्शंस जिनमें से आपको एक फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो मिसिंग लाइन इज टू बी कंप्लीटेड, क्या ये मिसिंग लाइन इज टू बी कंप्लीटेड, मतलब यहाँ पर इनमें से एक लाइन आनी है, कौन सी होगी लाइन, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। इन रीसेंट टाइम्स द नंबर ऑफ वर्किंग वीमेन हैज इंक्रीज्ड कंसीडरेबली इन अर्बन एरियाज, ठीक है, विद मोर एंड मोर वीमेन ऑप्टिंग फॉर करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, ऑफिसेज एंड बिजनेसेस एस्टेब्लिशमेंट्स आर फ्लडेड विद एप्लीकेशंस फ्रॉम क्वालिफाइड वीमेन। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, आ गया अगला, women are working side by side with men in all walks of life, okay। तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब हुआ कि भैया recent time में क्या हुआ, जो working women है, जो number of working women है वो क्या है, बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, कहाँ पर, urban areas में, city areas में, क्या with more, क्या बहुत ज्यादा से ज्यादा औरतें क्या करी है, opt करिए career oriented courses, वो courses करके जिनसे उनका career बन सकता है, ठीक है। और ऑफिस और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो है, ऑफिसेज में, कंपनीज में क्या हो रहा है, उनमें जो नंबर और जो एप्लीकेशन है किसकी, क्वालिफाइड वुमेन की, वो बढ़ते जा रहे हैं, आर फ्लडेड विद एप्लीकेशंस फ्रॉम क्वालिफाइड वुमेन। लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है इसने, लास्ट सेंटेंस इसने लिखा कि वुमेन आर वर्किंग साइड बाई साइड विद मैन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, क्या जो वुमेन है, जो वुमेन वर्किंग है, जो वुमेन है वो साइड बाई साइड काम कर रही है किसके, आदमियों के, सभी फील्ड्स में, सभी फील्ड्स में आदमियों के साथ लड़कियां साइड बाई साइड काम कर रही है, ओके। तो क्वेश्चन हमारे सामने ऑलरेडी है, अब ऑप्शंस क्या क्या हमारी इस बारे में, किस बारे में बात चल रही थी, जेके आपका क्वेश्चन, आंसर टू योर क्वेश्चन हमारी जो बात चल रही थी अर्बन एरियाज में चल रही थी, अर्बन एरियाज की बात चल रही थी, तो अचानक से बात जो है चेंज होकर, बात जो है चेंज होकर स्मॉल विलेजेस टाउन्स में कैसे पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी ना, यस नो में भी बताइए, यस ओके। तो अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बात किस बारे में चल रही थी कि भैया लड़कियां जो हैं लगातार अब उनका जो है वो करियर फोकस्ड गोल्स लेनी है, करियर फोकस्ड कोर्सेज लेनी है, और क्योंकि वो कोर्सेज में अप्लाई कर रही है तो क्या हो रहा है, ऑफिस और बिजनेस में उनके एप्लीकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ पर, अर्बन एरियाज में। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है अ वर्किंग वुमेन्स लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, क्या वर्किंग वुमेन की जो लाइफ है वो बेड ऑफ रोजेज नहीं है, कुछ बीच में अलग सी बात आ गई, ओके थोड़ा और फिर से करते हैं, इनफैक्ट देयर आर वेरी फ्यू वर्क प्लेसेस टूडे विच डू नॉट हैव सिंगल वुमेन, इनफैक्ट बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर वुमेन नहीं है, विच डू, वहां पर एक भी औरत नहीं है, ओके बी कुछ सेट हो रहा है। उसके बाद क्या, इट इज पॉसिबल टू मेंटेन गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन ऑफ लिविंग ओनली इफ द वुमेन कंट्रीब्यूट्स द फैमिली इनकम, ये भी कुछ अलग सा टॉपिक आ गया, ये भी कुछ अलग सा टॉपिक आ गया। लास्ट क्या हुआ, Women are more intelligent than men. ये भी कुछ अलग से टॉपिक आ गया। तो बेटा जी इसमें क्या हो गया, हमारा सेट कौन सा हो रहा है, बी सेट हो रहा है, बी हमारा इसमें परफेक्ट फिट हो रहा है,
क्यों? क्योंकि बात किसकी चल रही थी? ऑफिसेज की बात चल रही थी, कंपनीज की बात चल रही थी कि कंपनीज में और ऑफिसेज में क्या हो रहा है कि भाई लड़कियों के जो क्या है रेज्यूमे है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, एप्लीकेशन बढ़ती चली जा रही है। ऑफिसेज की बात कर रहे हैं तो ऑफिसेज की बात किस में आ गई? वर्क प्लेसेज में, और उसी को हमने जोड़ दिया क्या? इनफैक्ट देर आर वेरी फ्यू वर्क प्लेसेज, कि इनफैक्ट बहुत कम ऐसी जगह है आज जहां पर सिंगल वुमेन काम नहीं कर रही है, ठीक है, वहां पर जहां पर एक भी सिंगल वुमेन नहीं है, यानी कि एक तो होगी ही होगी काम करने के लिए। ओके, और आगे क्या लिखा? वुमेन आर वर्क, अब जो वुमेन है आर वर्किंग साइड बाय साइड विद मेन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और जो औरतें हैं जो हर ऑफिस में काम कर रही वो क्या कर रही है? वो साइड बाय साइड आदमियों के हर जगह पर काम कर रही है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस नो मे बी क्लियर? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि परफेक्ट फिट वही हो रहा है। हमने लॉजिकली हमने लगाने की कोशिश करी सभी को, लेकिन कोई भी फिट नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं और से कोई बात कर ली है, तो जो फिट हुआ हमने वो फिट कर दिया, बस सिंपल सी बात है। जैसे हम टीचर सेलेक्ट करते हैं कि भाई हमें जो है इन सर से पढ़ना, इन सर से नहीं पढ़ना, इन मैम से पढ़ना, इन मैम से नहीं पढ़ना, क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम फिट कर लेते हैं कि भैया ये सर हमारे साथ फिट हो रही है, ये मैम हमारे साथ फिट हो रही है, उन्हीं से हम पढ़ते हैं। सेम वे हम सेंटेंसेस को पैराग्राफ कंप्लीशन में फिट करते हैं, ठीक है? ओके, नंबर वन क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर टू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आ गया आपके सामने, अब क्वेश्चन नंबर टू आ गया आपके सामने, अब गो फॉर इट गाइज, क्वेश्चन नंबर टू ट्राई कीजिए सभी बच्चे। द ऑडियंसेस फॉर क्रॉसवर्ड्स एंड सुडोकू अंडरस्टैंडेबली ओवरलैप ग्रेटली, बट देयर आर डिफरेंसेस टू। अ क्रॉसवर्ड अट्रैक्ट्स अ मोर लिटरेरी पर्सन, व्हाइल सुडोकू अपील्स टू अ कीनली लॉजिकल माइंड। सम क्रॉसवर्ड एंथुसियास्ट टर्न अप देयर नोजेस एट सुडोकू because they feel it lacks depth. A good crossword requires vocab, knowledge, mental flexibility, and sometimes even a sense of humor to complete. It touches numerous areas of life and provide an aha or two along the way. Okay, तो इस question में किस बारे में बात हो रही है भाई? Sudoku और crossword के बारे में बात हो रही है। किसके? Crossword और Sudoku के बारे में बात हो रही है। कि हमें सबसे पहले पता लग गया टॉपिक क्या है, क्रॉसवर्ड और सुडोकू, ठीक है, कि हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं जनरल वे में, हमें पता लग रहा है कि हमें क्या कर रहे हैं इसमें, इस पैराग्राफ में वो क्या रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है क्रॉसवर्ड और सुडोकू का। क्या कंपैरिजन किया? कि क्रॉसवर्ड क्या करता है? क्रॉसवर्ड जो है लिटरेरी पर्सन को अट्रैक्ट करता है, जबकि जो सुडोकू है वो क्या करता है? वो लॉजिकल माइंड को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सम क्रॉसवर्ड एंथुसियास्ट जो क्रॉसवर्ड करते हैं वो क्या करते हैं? दे टर्न अप देयर नोजेस एट सुडोकू, वो सुडोकू की तरफ भी बढ़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि दे फील लैक ऑफ डेप्थ, उनको लगता है कि भाई जो क्रॉसवर्ड है उतना अच्छा नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़े। अ गुड क्रॉसवर्ड, एक गुड क्रॉसवर्ड के लिए क्या चाहिए? एक गुड क्रॉसवर्ड के लिए चाहिए वोकैब, नॉलेज, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, और समटाइम्स अ सेंस ऑफ ह्यूमर टू कंप्लीट, और कभी कभी सेंस ऑफ ह्यूमर कंप्लीट करने के लिए। और क्या करता है सुडोकू? और क्या करता है? इट टचेस न्यूमरस एरियाज, सुडोकू टचेस, सॉरी क्रॉसवर्ड की बात कर रहे हैं, क्रॉसवर्ड टचेस न्यूमरस एरियाज ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड्स एन आहा और टू अलोंग द वे। तो सही आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, चार ऑप्शंस है आपके पास, जल्दी से कोशिश करेंगे जवाब देने की। चार ऑप्शंस क्या है? सुडोकू ऑन द अदर हैंड, सुडोकू ऑन द अदर हैंड, इट जस्ट अ लॉजिकल एक्सरसाइज, ईच वन सिमिलर टू द लास्ट। बी है सुडोकू इंसिडेंटली इज ग्रोइंग फास्टर इन पॉपुलैरिटी देन क्रॉसवर्ड्स इवन अमंग द लिटरेरिटी। नेक्स्ट इज सुडोकू ऑन द अदर हैंड, सुडोकू ऑन द अदर हैंड कैन बी अटेम्प्टेड एंड एंजॉयड इवन बाय द चिल्ड्रन। ओके, डी है सुडोकू हाउएवर इज नॉट एक्साइटिंग इन एनी सेंस ऑफ टर्म। तो क्या होगा सही जवाब? सभी बच्चे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन का जवाब देना, ए बी सी डी। पैरा कंप्लीशन हमारा टॉपिक है, ऑप्शन मैं आपको दे चुका हूं,
जल्दी से आंसर देने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कम ऑन गाइस, गो फॉर इट गाइस। नीतू ने कहा सी, आप क्या कहते हैं जेके, व्हाट डू यू से? बाकी बच्चे जो भी जुड़े हुए हैं ट्राई कीजिए बेटा जी, टाइम चाहिए आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। यस नो मे बी, एनीवन एंड एवरीवन, हर बच्चा जवाब देगा। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ। सबसे पहले मैंने कहा कि हम पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या हमने पढ़ा? यस नो मे बी, अगर पढ़ा होगा मैं आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखिए कि हमारी जो बात चल रही थी सुडोकू और क्रॉसवर्ड के बारे में चल रही थी, एक बात आई थी कि भाई क्रॉसवर्ड जो है लिटरेरी पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सुडोकू लॉजिकल माइंड को, जो लोग लॉजिकल सोचते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, लॉजिकल को। ओके ठीक है, पहली चीज हमें ये मिल गई। दूसरी क्या पढ़ी हमने? दूसरी हमने पढ़ी कि गुड क्रॉसवर्ड, हमने क्रॉसवर्ड की बात करी, दोनों को कंपेयर किया, उसके बाद क्रॉसवर्ड पे आ गए कि क्रॉसवर्ड के लिए क्या क्या चाहिए। वो कैप चाहिए, नॉलेज चाहिए, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और क्या चाहिए? सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। ओके, और क्या चाहिए? और क्रॉसवर्ड के, क्रॉसवर्ड जो है टच करता है न्यूमरस एरियाज ऑफ लाइफ को, इट प्रोवाइड्स इन हाउ टू अलोंग द वे। यानी कि हम सारी बात लास्ट में जो करी है, यहां से लेकर यहां तक जो सारी बात की है वो क्रॉसवर्ड के बारे में बात की है। तो एक तरफ हमने क्रॉसवर्ड की बात कर दी, दूसरी तरफ क्या करेंगे? एक बार हमने क्रॉसवर्ड की बात करी, दूसरी तरफ क्या करेंगे? तो यूज क्या करेंगे? ऑन द अदर हैंड, कि ये तो ये करता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपका दूसरा ऑप्शन है, क्या? ऑन द अदर हैंड जो दूसरी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे वो देंगे। अब सी आएगा या ए आएगा, सी आएगा या ए आएगा? अब इसमें सुडोकू के बारे में लिखा, कैन बी अटेम्प्टेड एंड एंजॉय इवन बाय चिल्ड्रन। क्या चिल्ड्रन लॉजिकली सोच सकते हैं? बहुत ज्यादा। क्या चिल्ड्रन लॉजिकली सोच सकते हैं? क्योंकि इसमें लिखा है सुडोकू अपील्स टू अ लॉजिकल माइंड। क्या लॉजिकल हो सकते हैं चिल्ड्रन? बच्चों में अगर इतनी अकल होती, इतने लॉजिकल होते तो बड़े हो चुके होते, उनको बच्चे थोड़ी होते। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ए इज द राइट आंसर, कि सुडोकू ऑन द अदर हैंड इज जस्ट अ लॉजिकल एक्सरसाइज, ईच वन सिमिलर टू द लास्ट, क्लियर सभी बच्चों को? यस नो मे बी, ओके मेगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका, परफेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सभी बच्चों को क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? यस नो मे बी, एनीवन एंड एवरीवन, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो बेटा जी वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, प्लीज डू दैट। ओके चलो क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने है, आ चुका है। क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री? है मोस्ट फर्म्स कंसीडर एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स टू बी एलाइटिस्ट या एलिटिस्ट, टेम्परामेंटल, ईगोसेंट्रिक एंड डिफिकल्ट टू वर्क विद, फोर्स सच पीपल टू कोलैबोरेट ऑन अ हाई स्टेक प्रोजेक्ट एंड दे जस्ट माइट कम टू फिस्टी कफ, इवन द वेरी नोशन ऑफ मैनेजिंग सच अ ग्रुप सीम्स अनइमेजिनेबल, सो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फॉल इनटू द डिफॉल्ट मोड सेटिंग अ प्रोजेक्ट टीम्स ऑफ पीपल हु गेट अलोंग नाइसली। अब बेटा जी इसमें क्या होता है, देखो क्या कहते हैं, मोस्ट फर्म्स क्या करती है, ज्यादातर कंपनीज क्या करती है, कंसीडर करती है कि एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स टू बी, जो एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स हैं वो क्या होते हैं, एलीट होते हैं, एलिटिस्ट मतलब एलीट, एलीट क्या होते हैं, विशिष्ट, एलीट क्या होता है, विशिष्ट, राइट। हम सबको पता है एलीट कि भाई उसकी तो बहुत एलीट क्लास का बंदा, मतलब बहुत हाई क्लास है। तो जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स, उनको एलीट माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। टेम्परामेंटल मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, और क्या, ईगोसेंट्रिक, बहुत ज्यादा ईगो हो जाती है, और क्या, उनके साथ काम करना मुश्किल होता है। अब अगर आप ऐसे लोगों को साथ में, फोर सच पीपल टू कोलैबोरेट, कोलैबोरेट मतलब मिलजुल कर, अगर आप ऐसे लोगों को कोलैबोरेट करने के लिए कहोगे ऑन हाई स्टेक प्रोजेक्ट, हाई स्टेक प्रोजेक्ट मतलब वो प्रोजेक्ट जिसमें पैसा दांव पे लगा है, हाई स्टेक,
हाई स्टेक मतलब दांव पे लगा हुआ तगड़ा पैसा है, ठीक है, हाई स्टेक प्रोजेक्ट, एंड दे जस्ट माइट कम अप टू फिश कप्स, क्या वो जो है फिस्टी कप्स कर लेंगे, मतलब कि दे माइट जस्ट कम टू फिस्टी कप्स, दिस इज 50 कप, दैट इज फिस्टी कप्स, फिस्ट एंड कप्स, ठीक है, लड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन द वेरी नोशन, इवन द वेरी नोशन ऑफ मैनेजिंग सच ग्रुप सीम्स अनइमेजिनेबल, तो ऐसे ग्रुप को मैनेज करना कहीं ना कहीं पर क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो मोस्टली ग्रुप क्या करते हैं, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन फॉल इनटू डिफॉल्ट मोड, डिफॉल्ट मोड में आ जाते हैं, यानी कि कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालते और क्या करते हैं, सेटअप कर देते हैं प्रोजेक्ट टीम्स को ऑफ पीपल हु गेट अलोंग नाइसली, और प्रोजेक्ट टीम में, हाई स्टेक प्रोजेक्ट टीम में उनको डाल देते हैं जो कि बहुत अच्छे से अपने में घुल मिल जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ एक्सपर्ट्स, हम जो है मीडियोकर लोगों को डाल देते हैं, आम लोगों को डाल देते हैं ताकि वो आपस में घुल मिल के काम कर सकें। अब एक बात बताओ, एक तरफ थे एक्सपर्ट्स, हालांकि वो घुलते मिलते नहीं। तो अब जो हमने नॉर्मल आदमियों को उठा लिया, अब क्योंकि हमने नॉर्मल आदमियों को उठा लिया तो रिजल्ट कैसा आएगा। कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम ले रहे हैं तो प्रोजेक्ट में हमने लोगों को रखा, तो लोगों को जब रखा रिजल्ट कैसा आएगा, बात किसकी आएगी, रिजल्ट की आएगी, ठीक है, ओके। तो नेचुरली दे ड्राइव इनोवेशंस, भैया नॉर्मल लोग इनोवेशंस कहां से कर लेंगे, नहीं कर सकते। अब क्या रिजल्ट डिजास्ट्रस होगा, नहीं, नॉर्मल लोग हैं, बेवकूफ थोड़ी है, डिजास्ट्रस भी नहीं हो सकता, या तो बी होगा या फिर सी होगा, क्या दिस रिजल्ट इज क्रिएशन ऑफ एक्सपर्ट्स हु देन बिकम एलिटिस्ट, कि वो बाद में एलिटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन भाई बनेंगे नहीं बनेंगे, तब तक वो ऑफिस में टिकेंगे नहीं टिकेंगे कुछ नहीं पता। तो ये भी हमारा जो है प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है। फिट क्या हो रहा है कि भैया नॉर्मल लोग रखे थे और नॉर्मल सा ही रिजल्ट आएगा, कि बस हमारा काम चलना चाहिए, काम होना चाहिए, कुल मिला के काम हो रहा है, कंपनी चल रही है, दैट्स इनफ, ज़्यादा हमें हाई फाई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वरना एलिटिस्ट के साथ भी यही दिक्कत आएगी, जो एलिटिस्ट हो जाएंगे। दैट इज वाई इसमें जो सही आंसर है बी है, द रिजल्ट इज मीडियोक्रिटी, द रिजल्ट इज मीडियोक्रिटी, क्लियर। मीडियोक्रिटी मतलब बहुत ज्यादा खास नहीं, जैसे मैं बोलूं कि आई एम अ मीडियोकर, कि मैं बहुत ज्यादा, कि मैं कोई मेरे से पूछे सर आप किस तरह के स्टूडेंट थे, बोलूंगा आई वॉज अ मीडियोकर, मतलब ना मैं बहुत तेज स्टूडेंट था ना ही मैं बिल्कुल बेवकूफ था। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो टॉप 10 में रहते हैं, टॉप 15 के आसपास रहते हैं, 50, 60, 70 स्टूडेंट्स में से, तो मीडियोकर मतलब आम बंदे, ठीक है। तो जब आम लोगों को रखा था, क्या आम लोगों को रखा था तो आम रिजल्ट भी कैसा आएगा, आम आएगा, कोई खास रिजल्ट थोड़ी आ जाएगा, बस वहीं से हमें क्लियर हो गया, ओके, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने आ गया। अब आई होप सभी बच्चों को फोन में दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था तो मेरे को थोड़ी सी मेहनत लगी इस क्वेश्चन को तैयार करने में, बट आई वांटेड कि ये क्वेश्चन हम करें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पैरा कंप्लीशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने है, दे आर द मोस्ट टेरिबल ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इन एन अदरवाइज ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी, क्या वो जो है एक क्या है, टेरिबल मतलब बहुत बुरे, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स है। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, भाई एक सीधा सा सेंटेंस जा रहा है उसको रोक देते हैं, एक सीधी से पैराग्राफ जा रहा है उसको रोक देते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स एक सीधे से स्टोरी को रोक देते हैं, तो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, क्या दे आर द मोस्ट टेरिबल पंक्चुएशन मार्क्स इन एन अदरवाइज ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी। वरना एक ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी होती है, ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी मतलब बढ़िया स्टोरी होती है, पॉजिटिव स्टोरी होती है, ठीक है। क्या हुआ, अब हुआ क्या, बात किस बारे में चल रही है, एवरी फ्यू मंथ्स यानी कि हर कुछ महीनों में, एवरी फ्यू मंथ्स अ बॉम्बिंग समवेयर इन इंडिया, क्या इंडिया में कहीं ना कहीं पे बॉम्बिंग होती है, बॉम्बिंग का पता लगता है और क्लेम करती है वो डजन्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, क्या बहुत सारे जो नॉर्मल लोगों की लाइफ है उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। यस ओके, किलिंग रैंडम अनफॉर्चुनेट्स गोइंग अबाउट देयर डेली बिजनेस, क्या किसी को भी रैंडमली मार दिया जाता है बॉम्ब्स के द्वारा जो कि अपने नॉर्मल डेली कामों के लिए जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हुआ, आगे पढ़ा हमने, द अटैक्स आर यूजुअली ब्लेम्ड ऑन मिलिटेंट ग्रुप्स फाइटिंग इंडियन रूल,
क्या जो अटैक्स है उनको ब्लेम कर दिया जाता है मिलिटेंट्स ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है, जो कि इंडियन रूल के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, डिवाइडेड ऑफ डिवाइडेड कश्मीर एंड ऑन एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज, और किस पे काम कर रहे हैं, ऑन एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज दैट अलजेंटली हेल्प हिम, जिसने शायद उनको हेल्प किया था, किसको, मिलिटेंट्स को। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, अकॉर्डिंग टू यू कौन सा सही जवाब होगा। ए है हमारा, द माइटी इंडियन नेशन कैन नॉट डू अ थिंग अगेंस्ट दिस इरिटेंट अटैक्स, कि जो माइटी इंडियन नेशन है, जो ताकतवर इंडियन नेशन है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, बी हुआ हमारा, इट इज एन ऑब्स्टेकल, ये एक बाधा है, टू एंडिंग द रेनोक्रस ब्लड फ्यूड एंड हैज स्केयर्ड द 60 इयर्स सिंस इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। नेक्स्ट है हमारा, ब्लेमिंग पाकिस्तान इज द स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स, ब्लेमिंग पाकिस्तान इज द स्टैंडर्ड रेस्पॉन्स ऑफ इंडियाज ओल्ड पॉलिटिशियंस हु कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट हुआ हमारा, ईच मर्डरस ऑन स्लॉट सेट्स बैक द पेन स्टिकिंग प्रोग्रेस इंडिया प्रोग्रेस इंडिया एंड पाकिस्तानी पाकिस्तान आर मेकिंग। ये है हमारा, इंडिया हैज टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल रादर देन ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर एवरीथिंग दैट गोज रॉन्ग ऑन इट्स सॉइल। तो ऐसे करके पांच हमारे ऑप्शंस हो गए, जल्दी से हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो ऑप्शंस क्या हैं बच्चों, जल्दी से जवाब देना ट्राई कीजिए आप लोग, कोई भी बच्चा कम ऑन आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, आंसर जरूर देना है बेटा, आंसर दोगे तो ही मजा आएगा, कोशिश एटलीस्ट कीजिए, कोशिश करनी तो बनती है बॉस, कोशिश करनी है तो बनती है बॉस, कोशिश कीजिए, अगर टाइम चाहिए बोलिए सर टाइम चाहिए, चलो मैं एक दो मिनट आपको दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए करना, ठीक है। दे आर मोस्ट टेरिबल पंक्चुएशन मार्क्स इन एन अदरवाइज ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी, ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी, ठीक है। अगला हुआ कि हर कुछ महीनों में इंडिया में बॉम्ब पड़ते हैं और आम लोगों की जान माल का नुकसान होता है, ठीक है। अब ये अटैक करता कौन है, ये अटैक करता है मिलिटेंट्स कहाँ के, कश्मीर के, एंड ऑन एलिमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विस दैट अलजेंटली हेल्प देम, और पाकिस्तान का उनमें हमें शक है कि भाई पाकिस्तान उनको हेल्प करता है। तो बेटा जी क्या होगा इसमें, क्या आएगा इसमें लास्ट में, लास्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए, कम ऑन जल्दी से, एनीवन एंड एवरीवन जल्दी से कोशिश कीजिए। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या हमारी जो थी ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी थी, क्या थी, ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी, ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी मतलब पॉजिटिव स्टोरी, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था कि सब कुछ अच्छा चलता है और अचानक से क्या हो जाता है भैया, बम फट जाता है। तो अचानक से क्या होता है, बम फट जाता है जबकि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, यही था। तो ईच मर्डरस ऑन स्लॉट, ईच मर्डरस ऑन स्लॉट सेट्स बैक द पेन स्टिकिंग प्रोग्रेस इंडिया एंड पाकिस्तान आर मेकिंग, क्या जो पाकिस्तान और इंडिया प्रोग्रेस करते चले जा रहे थे, पॉजिटिव स्टोरी थी ना, प्रोसेस प्रोग्रेस करते कर रहे थे, ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी, तो जो प्रोग्रेस कर रहे थे वो फिर से पीछे पहुंच जाती है। तो कहां से जुड़ा, भैया जो फर्स्ट सेंटेंस था ना वहां से जुड़ा है, दैट इज वाई यहां पर लास्ट में आया एंड ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अब पहला दूसरा क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले दूसरे का मतलब सेम है, पहले दूसरे का मतलब सेम है, मिलता जुलता है। और अगर सी और ई की बात करूं, सी और ई का भी सेम मतलब है कि ब्लेम करने की बात चल रही है, लेकिन ब्लेमिंग की बात नहीं चल रही है इस क्वेश्चन में, बात किस चीज की चल रही थी कि भैया सबसे पहले बात क्या हुई थी, बात हुई थी कि ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी कि पंक्चुएशन मार्क्स आ जाते हैं इन एन अदरवाइज ऑप्टिमिस्टिक स्टोरी में। क्लियर सभी बच्चों को, फोर्थ क्लियर हो गया, जल्दी से बताएंगे कोई डाउट फोर्थ में, यस नो मे बी, एनीवन एंड एवरीवन।
ओके ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर फाइव आपके सामने आ गया। अब क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हेन इट कम्स टू व्हीक्यूलर पॉल्यूशन देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिल्ली हैज एन एवर ग्रोइंग मोटराइज्ड व्हीकल पॉपुलेशन। एफिशिएंट मोबिलिटी एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग सिटी, द प्राइमरी कॉज फॉर एक्सप्लोजन ऑफ प्राइवेट कार्स इन द सिटी इज द। तो इस बारे में ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें किस बारे में बात चल रही है, इसमें किस बारे में बात चल रही है, बेट ट्रैफिक जैम के बारे में बात चल रही है। किसके ट्रैफिक जैम के बारे में बात चल रही है, कि जो ट्रैफिक होता है। यस, व्हीकल पॉल्यूशन, व्हेन इट कम्स टू व्हीकल पॉल्यूशन देयर इज अ नीड, हमें जरूरत है किस चीज की समझने की, कि दिल्ली में क्या, व्हाई दिल्ली हैज एन एवर ग्रोइंग मोटराइज्ड व्हीकल पॉल्यूशन, व्हीकल्स का जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है। ठीक है, ओके, एफिशिएंट मोबिलिटी इज एसेंशियल फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग सिटी, एक एफिशिएंट मोबिलिटी होनी चाहिए ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके सिटी की। ठीक है, ओके, अ प्राइमरी कॉज, प्राइमरी जो कारण है एक्सप्लोजन ऑफ प्राइवेट कार्स का सिटी में वो क्या है। जल्दी से ऑप्शंस आपके सामने है, 5 ऑप्शंस, कौन सा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लास्ट में आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स में लास्ट में आना चाहिए, गो फॉर इट, डू ट्राई। दिल्ली इज व्हीकुलर ट्रैफिक पर्टिकुलरली प्राइवेट व्हीकल्स इज नॉट प्राइम कल्प्रिट, क्या दिल्ली का जो व्हीकुलर ट्रैफिक है जो प्राइवेट व्हीकल्स को प्राइम कल्प्रिट नहीं कह सकते, भाई कहीं भी मैच नहीं हो रहा, रीजन की बात कर रहे हैं कि रीजन किस चीज, रीजन क्या है एक्सप्लोजन ऑफ प्राइवेट कार्स का, तो सिर्फ प्राइवेट कार्स को व्हीकुलर ट्रैफिक की बात नहीं कह सकते, व्हीकुलर ट्रैफिक की बात कहाँ से आ गई, हम तो एक्सप्लोजन ऑफ प्राइवेट कार्स की बात कर रहे थे कि प्राइवेट कार्स क्यों आ गई दिल्ली में, रीजन क्या पूछ रहे हैं भैया, प्राइवेट कार्स क्यों आ गई दिल्ली में ये बताओ। हाई नंबर ऑफ ट्रिप्स बाय ऑटोज एंड टैक्सीज एंड अ लार्जर प्रेजेंस ऑफ टू व्हीलर्स, क्या ऑटोज चल रहे हैं, ट्रिप्स ऑटोज ले रहे हैं, टैक्सीज भी तो प्राइवेट कार्स हो गई, तो ये भी रीजन नहीं हो सकता। ओके, जेके ने कहा सी में एब्सेंस ऑफ प्रॉपरली फंक्शनिंग प्रेडिक्टेबल इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विथ एफिशिएंट लास्ट माइल कनेक्टिविटी। यस, बिल्कुल सही जवाब। भाई कारण क्या है एक्सप्लोजन ऑफ प्राइवेट कार्स का, कि हमारे पास प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी की कमी है। क्या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, भैया हमें टाइमिंग ही उसकी फिक्स नहीं है, जो 2 बजे बस चलनी चाहिए वो 3 बजे चलेगी, तो ऑफिस किस टाइम पहुंचेंगे, सपोज हमें 8 बजे सुबह ऑफिस पहुंचना है, 8 बजे की बस घर से चलेगी, प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, और जब टाइमिंग नहीं है, फंक्शनिंग नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम बचाने के लिए हम दूसरे ऑप्शन को ढूंढेंगे, दूसरे ऑप्शन क्या मिले, हमने उबर और ओला पे फोकस कर दिया। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ प्रॉपरली फंक्शनिंग एंड प्रेडिक्टेबल इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो अच्छा, तो हमें नॉर्मल अपने जो प्राइवेट कार्स हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, और डी और ई की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि सी में ही हमें आंसर मिल गया। क्लियर सभी बच्चों को, कोई डाउट इसमें, यस नो मे बी, एनीवन एंड एवरीवन जल्दी से बताइए, क्या 5th क्वेश्चन में आपको डाउट एनीवन किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप लोगों को अगर है तो बताइए। ओके, चलो फिर क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स आ गया आपके सामने, कि स्माइलिंग अ लॉट इज अ वैल्यूड ट्रेट, क्या स्माइलिंग बहुत ज्यादा क्या है, वैल्यूड ट्रेट है। ओके, पीपल हु ऑफन स्माइल, पीपल जो कि अक्सर स्माइल करते हैं, सिंसियर रेडिएट, वो रेडिएट करते हैं, क्या रेडिएट करते हैं, लाइकेबिलिटी, जो स्माइल करते हैं यूजली उनको पसंद किया जाता है, और वो आसानी से क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं दूसरों के साथ, और उनको अप्रिशिएट भी ज्यादा किया जाता है। तो बाय स्माइलिंग यू मेक पॉजिटिव इंप्रेशन, स्माइल करके आप पॉजिटिव इंप्रेशन देते हैं किस बारे में, दैट विल असिस्ट यू,
जो कि आपको असिस्ट करेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा इन मेकिंग कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स बनाने में और अपने गोल्स तक पहुंचने में। तो क्या होगा सही जवाब? ए बी सी डी ई। छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे एकदम इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा, कम ऑन। कम ऑन, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा किसी को भी? ओके, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। जेके ने कहा ए, ओके क्या, बट इफ यू मेक इट सेकंड नेचर, इफ यू मेक इट सेकंड नेचर टू स्माइल इजीली इन डिफरेंट सिचुएशन, इट वोंट टेक मच एफर्ट टू स्माइल डिसआर्मिंगली When the tension rises somewhat, okay? तो मतलब क्या, आप टेंशन में भी मुस्कुरा सकते हो क्या? हम जो है इसमें नेगेटिव चीजों की बात नहीं कर रहे हैं क्या? नेगेटिव चीजों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे हैं। स्माइल करके आप क्या कर सकते हैं? तो ए हमारा गलत जवाब हो गया, ए हमारा गलत जवाब हो गया, क्योंकि बाई स्माइलिंग, स्माइल करके आप क्या करते हो, एक पॉजिटिव इंप्रेशन देते हो और क्या होगा, आपके कॉन्टेक्ट बनते हो और अपने गोल तक पहुंच पाते हो। और क्या होता है, और क्या होता है, And many managers have possibly lost the deal of their dreams because they could not smile spontaneously. By deals की बात कहाँ से आ रही है? हम तो general बात कर रहे थे, general philosophical बात चल रही है, यहाँ पे knowledge ज्ञान ये special बात कहाँ से आ गई? Deal कहाँ से आ गई? Deal भी हट गई। Okay, that's why we parents do not always share data है। क्यों नहीं करोगे smile smile? तो करना चाहिए paragraph, तो यही कह रहा है क्या? नन ऑफ दीज भी नहीं, ई क्या, डी क्या है, मोर ओवर कि ये तो करता ही है, स्माइल करने से आपको पॉजिटिव इंप्रेशन तो होता ही है, कॉन्टेक्ट तो बनते ही है और आप गोल तक तो पहुंचते ही हो। और क्या होता है, मोर ओवर इसके अलावा और क्या होता है, मोर ओवर ये तो होता ही होता है, और क्या होता है, स्माइलिंग मेक्स यू फील गुड, स्माइल से आप अच्छा फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, ठीक है। एंड हाउएवर, लेकिन हमेशा जो है, स्माइल्स आर क्रिएटेड इक्वल, नॉट ऑल स्माइल्स आर क्रिएटेड इक्वल, and it is not good to smile in every situation. और ये अच्छी बात है कि हम हर सिचुएशन में स्माइल करें। तो यहाँ पर हमारी बात पूरी हो गई कि भाई ये तो काम पूरा ही करता है, मोर ओवर इसके अलावा क्या करता है, स्माइल हमें अच्छा फील कराता है, लेकिन हर सिचुएशन में स्माइल करना अच्छा बात नहीं होती, अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, अच्छा आइडिया नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर? यस टू मे बी एनीवन एंड एवरीवन, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर? आगे बढ़े, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सम पीपल शाय अवे फ्रॉम ट्रैवलिंग अलोन, कुछ लोग जो है दूर भागते हैं किससे, अलोन ट्रैवल करने से, अकेले ट्रैवल करने से, और कुछ लोग इसे एम्ब्रेस करते हैं, अपना लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इट दैट मेक्स इट एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, तो वो क्या है जो इसको एक अट्रैक्टिव बढ़िया ऑप्शन बनाता है, क्या है वो ऑप्शन, क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गोइंग आउट अलोन, क्या बाहर जाने के, घूमने जाने के, अकेले जाने के क्या फायदे हैं? वेल फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली बात, ट्रैवलिंग सोलो कैन बी वेरी लिबरेटिंग, कि ट्रैवलिंग सोलो अकेले ट्रैवल करके आपको क्या मिलता है, आजादी का एहसास होता है, क्या लिबरेटिंग फील होता है, बहुत ही आजादी का फील होता है, कैसे, द आइटिनरी यू सेट, द आइटिनरी यू सेट, जो हम प्लान बनाते हैं, आइटिनरी जो प्लान बनाते हैं ट्रैवल के लिए, ठीक है, उसको आइटिनरी कहते हैं, जो आइटिनरी सेट करते हैं, एंड ऑल द डिसीजंस यू मेक, और जो सभी डिसीजन हम लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे अकेले के होते हैं, मेरे अकेले के होंगे, अगर मैं अकेले जाऊंगा घूमने कहीं तो सारे डिसीजन किसके होंगे, मेरे होंगे, मेरे अकेले के होंगे, तो क्या होगा इसका सही जवाब, ए बी सी डी ई, क्या तुम्हें इस चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं कि दूसरा क्या, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनी अदर पर्सन, तुम्हें दूसरे किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होगी, तो और क्या है, ये बिल्कुल सही, आजादी का फील कर रहे हो भाई, अकेले हो तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं, हमें परवाह ही नहीं होगी कि भाई किसी और आदमी या ग्रुप की, अकेले आए हैं तो अकेले खुद में मस्ती कर सकते, मस्ती में मस्त होकर, है ना,
तो बाकी ऑप्शंस क्या, बट दैट इज जस्ट वन ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम भाई, प्रॉब्लम क्या है? वो तो मस्ती का एहसास है, अकेले गए, अकेले इसलिए क्या दिक्कत है उसमें। एक्चुअली वन कैन बी कंप्लीटली सेल्फिश, सेल्फिश कहां से हो गए? वन इंपॉर्टेंट फैक्टर ओन सेंस ऑफ फ्रीडम नहीं, इज द राइट आंसर। कि जब हम अकेले जाते हैं तो हमें दिक्कत, हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि दूसरा आदमी या दूसरा पर्सन क्या सोचेगा। ओके, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके सामने। द रूल्स एज रिगार्ड्स टू अप्लाइंग फॉर जॉब्स हैव बीन सब्जेक्ट टू एनॉर्मस चेंजेस लेटली, एंड इफ यू हैव नॉट बीन जॉब हंटिंग फॉर अ व्हाइल, इट कैन कम एज अ बिट ऑफ अ शॉक। In the past, people preferred a handwritten application letter, but it is becoming more and more common these days to find and apply for a vacancy via internet. तो इसमें क्या दिया है, किस बारे में बात चल रही है? Job application के बारे में बात चल रही है। किस बारे में? Job application by job identity. ठीक है? Okay. तो the rules as regards to applying for jobs. जो job को apply करने के लिए rule है, क्या उसकी उसमें जो है जल्दी जल्दी बहुत सारे चेंजेस आए, लेटली कुछ चेंजेस आए। इफ यू हैव नॉट बीन जॉब हंटिंग फॉर अ व्हाइल, और अगर कुछ टाइम से तुमने जॉब हंट नहीं किया है तो तुम्हें शॉक लगेगा, तुम्हें शॉक लगेगा ये जानकर। क्या कि इन द पास्ट, पास्ट में जो लोग थे वो हैंड रिटन एप्लीकेशन दिया करते थे, पास्ट में जो लोग थे वो हैंड रिटन एप्लीकेशन दिया करते थे, बट इट इज बिकमिंग, लेकिन अब क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कॉमन दीज डेज to find and apply for vacancy via internet. अब क्या internet को use कर रहे हैं किसके लिए? Application भेजने के लिए, resume भेजने के लिए। Yes, तो कौन सा होगा सही जवाब? A, B, C, D या फिर E? Come on, जल्दी से। Members of the interview committee will ask you questions, but your answers won't only be oral. ओके, क्या भैया कहां से पीछे हो रहे, सीधे इंटरव्यू की बात कहां से हो गई? हम तो जॉब अप्लाई करने की बात कर रहे थे। आफ्टर ऑल, बिफोर अ वर्ड हैज बीन स्पोकन, योर बॉडी लैंग्वेज विल हैव ऑलरेडी गिवन पीपल देयर इंप्रेशन टू मीट यू। भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज रहे हैं, ऑनलाइन जॉब की बात भेज रहे हैं, तो कहां से भी हो गया, बी भी नहीं हो सकता। सी क्या है? मोर एंड मोर ऑफन, मोर एंड मोर ऑफन, इट इज इनफ टू ईमेल। क्या ज्यादा से ज्यादा ये ऑफन है, रेगुलर होता जा रहा है। क्या रेगुलर होता जा रहा है? कि हम जो है ईमेल भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं अपना सीवी, ठीक है, या फिर सिंपली प्लेस योर सीवी ऑन द वेब, या हम सीधे इंटरनेट पर अपना सीवी डाल देते हैं। एंड इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस, द एप्लीकेशन प्रोसीजर ऑफन गोज मोर क्विकली, और इस वजह से हमारा जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो बहुत तेज हो गया। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले लिखा है कि भाई जॉब को अप्लाई करने का तरीका चेंज हो गया है, ठीक है, कैसे चेंज हो गया? प्रेजेंस में हैंड रिटन एप्लीकेशन भेजते हैं, अब हम ऑनलाइन इंटरनेट से भेजते हैं। तो इंटरनेट से कैसे भेजते हैं, कि हम क्या करते हैं, मोर एंड मोर ऑफन इट इज इनफ टू ईमेल, कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, ईमेल कर देते हैं किसी भी कहां पर, या तो कंपनी को या फिर वेब पर, और इसकी वजह से जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो फटाफट हो जाता है पूरा। ओके, तो ये हमारा था आठवा क्वेश्चन। तो कुल मिला के हमारे आज के 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो आठवा क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। ओके, बाकी बच्चे आप लोग एक काम और करना, जो बच्चों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, मुझे फॉलो जरूर कीजिए, मुझे फॉलो जरूर करिए। ओके, और क्या करेंगे, जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है, ASG50 कोड लगाकर, ASG50 कोड लगाकर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ASG50 कोड लगाइए और 10% का बढ़िया वाला डिस्काउंट पाइए, ठीक है जी? ऑलराइट, और प्लस कोर्स में, यानी कि अनअकैडमी की जो प्लस क्लासेस होती है, पेड क्लास होती है, बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। तो mark my words, आप बहुत सारी चीजें मिस कर सकते हो। So thank you so much, have a great evening ahead. Next class में मिलते हैं 8 बजे। कब मिलेंगे? 8 बजे मिलेंगे Let's Crack Bank Exams channel पर। Let's Crack Bank Exams channel पर मिलेंगे next class में। तो YouTube channel पर ये class है और हम इसमें मिलेंगे।
ओके आई विल एक्सपेक्ट कि आप सभी भी हो वहां पर एंड मिलते हैं बाय ऑलराइट गाइस डू टेक केयर हैव अ ग्रेट इवनिंग सायोनारा एंड बाय बाय हास्ता ला विस्ता